अंकल मैं भी आपके शॉप पे अपना फोन भूल गई थी, वापस देना। अरे बेटा यहाँ आप कोई फोन नहीं भूले बेटा। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं थोड़ी देर पहले आपसे फ्रूट्स लेकर गई थी ना, तब मैं अपना फोन यहाँ भूल गई थी। मेरा फोन वापस दे दो वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बेटा आपका यहाँ फोन होता मैं आपको दे देता, लगता है आपने कहीं और भूला हो। देख गुड्डे मुझे लग रहा है तू ऐसे नहीं मानेगा। दीपांशु इधर आना जरा। क्या हुआ दीपांशु? देखो ना मैं इनकी शॉप से भी फ्रूट्स लेकर गई थी, मैं अपना फोन यहाँ भूल गई थी, अब ये बुड्ढा मुझे मेरा फोन देने से मना कर रहा है। बेटा दीपांशु तुम चुप क्यों खड़े हो ना, कुछ बोलो ना। अरे अंकल दे दो ना इनका फोन वापस। बेटा मैंने इनका कोई फोन नहीं लिया, आप समझाओ ना इन्हें। क्या आपने बेटा बेटा लगाए हुए दीपांशु, मुझे लग रहा है बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, तुम पुलिस को फोन करो। बेटा बेटा पुलिस को क्यों बुला रही हो, समझाओ ना बेटा इसे। अरे मैं क्या समझाऊं, आपने फोन लिया है तो देते क्यों नहीं वापस। मैंने कोई फोन नहीं लिया दीपांशु, मुझे लग रहा है ऐसे मानेगा ही नहीं, तुम करो पुलिस को फोन, करो ना। इधर दो तुम। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ जी क्या हुआ, किसने कॉल की थी? सर मैंने ही आपको कॉल किया था। सर देखिए ना मैं इन अंकल की शॉप पर ना फ्रूट्स लेने आई थी, मैं अपना फोन यहाँ भूल कर चली गई, जब मैं इनसे अपना फोन लेने आई तो इन्होंने मुझे देने से मना कर दिया, बोल रहे कि मेरा फोन रहा ही नहीं है इनके पास। क्या बात अंकल, ईमानदारी से पेट भर गया क्या, जब चोरी भी करना स्टार्ट कर दिया। सर मैं चोर नहीं हूँ और ना ही ये यहाँ फोन भूले थे, मैंने तो इनका फोन देखा भी नहीं यार। देखा सर आपने, ये अभी अपनी बात को मानने को रेडी नहीं है, आप एक काम करो इनको पुलिस स्टेशन ही लेकर जाओ, तभी इन्हें समझ में आएगा। चलो अंकल। स्वारा मनीष तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यार तुम कितनी लापरवाह हो गए ना, तुम अपना फोन मेरी कार में भूल गए थे। हाँ ये देखो जब मैं तुम्हें ड्रॉप करने आया तब। क्या है ये सब, आपको शर्म आनी चाहिए, आगे से पुलिस को कॉल करने से पहले एक बार कंफर्म कर लेना, टाइम वेस्ट कर दिया। अंकल नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते मनीष, नमस्ते क्यों बोल रहे हो, तुम इन्हें जानते हो? अरे जानते हो क्या, तुम नहीं जानते इन्हें? नहीं कौन है ये? अरे ये दीपांशु के पापा हैं और ये फ्रूट स्टोर लेने की है। दीपांशु दीपांशु तुमने इनको बताया नहीं तुम्हारे पापा हैं? ये क्यों बताएगा इस लड़की के सामने, अरे इसने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने मुझे चोर साबित कर दिया। कल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मुझे लगा मैं आपके पास जब फ्रूट्स लेने आई मैं अपना फोन आपके पास ही भूल गई, और मुझे नहीं पता था कि दीपांशु के पापा हो। नहीं बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं, जब मेरी अपनी औलाद मुझे नहीं पहचान रही, कोई दोष नहीं तुम्हारा, इसे इसे तुम्हारे सामने शर्म आ रही थी कि इसके पापा फल की रेड़ी भी आते हैं। मुझे माफ कर देना पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। दीपांशु मेरे बच्चे इसी दुकान से तेरी स्कूल की फीस, तेरी कॉलेज की फीस, घर का खर्चा चलता है बेटा, काम कोई छोटा नहीं होता बेटा, काम तो काम होता है, इज्जत का काम तो काम होता है बेटा,
माफ कर देना पापा, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अंकल मुझे भी माफ कर दो। मेरे बच्चे एक बात याद रखना, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले मेरी बिटिया एक बार जरूर सोच लेना बच्चे। नमस्ते अंकल जी, हम चलते हैं। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। चलो।